हेलो एंड वेलकम ऑल यू आर वॉचिंग के कॉमर्स अकेडमी विद मी कुणाल सिंगल सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल हमने ऑलरेडी पढ़ लिए समझ लिए बहुत डीप में कल मैंने आपको उसके कुछ की वर्ड्स और की सेंटेंसेस भी पढ़ाए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज़ बेस्ड ओवर दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम सब जानते हैं दैट इज़ फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ आर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर विल बी एप्लीकेशन बेस्ड पेपर विल बी बेस्ड ऑन केस स्टडीज़ सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज़ आज के वीडियो में मैं टोटल तीन केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा टोटल थ्री केस स्टडीज़ वी विल डिस्कस इन टूडेज वीडियो एंड ऑल द केस स्टडीज़ वॉट आई एम डिस्कसिंग टूडे हेयर इन दिस वीडियो हैव कम इन समर बोर्ड एग्जामिनेशनस सो जस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड शुरू करते हैं इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर कैप्ट ऑफिस चौक्स इन द लाइब्रेरी सिचुएशन देखिए बुक्स आर कैप्टन ऑफिस जबकि बुक्स लाइब्रेरी में होनी चाहिए चौक्स इन द लाइब्रेरी जबकि चौक्स या तो स्टाफ रूम में हो या फिर ऑफिस में हो एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स इन द स्टाफ रूम बहुत अच्छी बात है ऑफिस रिकॉर्ड ऑफिस में होने चाहिए जिसकी वजह स्टाफ रूम रखें काफ़ी मिसमैनेज स्कूल लगता है एनी बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ बिफोर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियो आप अपने माइंड में एक बार रिकॉल कीजिए ऑल द फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूल इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो और दो मिनट के लिए ब्रेक लेके अपने माइंड में रिकॉल करो पहले सारे के सारे फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पेपर पे सारे फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नोट डाउन करो उसी सीक्वेंस में सारे लिख लीजिए और उसके बाद में कंटिन्यू करिए इस वीडियो के साथ में आपके माइंड में जब तक वो सारे प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तब तक ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस पढ़ने का कोई सेंस नहीं है सो जस्ट रिकॉल ऑल द फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रपाउंडेड बाय हेनरी फेउल एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो तो हमने सिचुएशन पढ़ी इस स्कूल में बुक्स ऑफिस में रखते हैं चौंक्स लाइब्रेरी में होती हैं और ऑफिस रिकॉर्ड्स स्टाफ रूम में होते हैं काफ़ी अच्छा स्कूल है देखते हैं क्वेश्चन क्या है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायोलेटेड हेयर एंड वाई सो आई आई होप आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा होगा प्रिंसिपल के कहाँ पर चीज़ें जगह पर रखनी चाहिए और कहाँ जहाँ जगह पर ना रखी हुई चीज़ें तो कौन सा प्रिंसिपल होता है आगे क्या लिखा है हाउ विल दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव अब इस प्रिंसिपल के वायोलेट होने पर क्वेश्चन क्या है विच प्रिंसिपल है वायोलेटेड इस प्रिंसिपल के वायोलेट होने पर कौन सा इस स्कूल को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या उसके ऊपर क्या असर आएगा और तीसरा क्या लिखा है एज अ मैनेजर वॉट स्टेप्स विल यू टेक टू रेक्टिफाई द शॉर्टकमिंग्स कमिंग ये जो प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे सो so जल्दी से आंसर कीजिए कौन सा प्रिंसिपल है एग्जैक्टली यू हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट वन द प्रिसिपल ऑफ ऑर्डर हैव बीन वायोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हैव बीन वायोलेटेड इन दिस सिचुएशन एंड वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन एबसेंस ऑफ ऑर्डरलीनेस स्कूल ऑब्जेक्टिव द गोल्स ऑफ द स्कूल विल नॉट बी अचीव्ड एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आर गोल्स ऑफ द स्कूल एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली इन वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और थर्ड हमें बींग मैनेजर हमें क्या करना है थिंग्स शुड बी प्लेसड एट अप्रोप्रिएट प्लेस टू विच टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी विद गिवन टाइम फ्रेमवर्क एक बार दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन ने जो डिमांड किया वही सिर्फ आंसर करना और जिस फॉर्म में क्वेश्चन ने क्वेश्चन पूछा है आपसे लाइक यहाँ पे पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री है तो उसी सिक्वेंस में हमें आंसर प्रेजेंट करना है एग्जामिनेशन में फर्स्ट पॉइंट का आंसर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सेकेंड पॉइंट का आंसर दैट इट विल रिजल्ट इन नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स और थर्ड का आंसर दैट The things should be placed at the appropriate places to achieve maximum efficiency with given time framework. आप पूरा मिला के पैराग्राफ फॉर्म में अगर आंसर लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी देना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ काफ़ी बड़ा एक काम करते हैं पहले इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं रेड कलर में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं उसे रीड कर रहा हूँ एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखना बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास जब भी केस स्टडी क्वेश्चन होता है उसमें लास्ट की जो लाइन है जिसमें क्वेश्चन है वो थोड़ा बोल्ड होता है उसे आप पहले रीड किया करें कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ ही इज़ नॉट एबल टू अचीव द डिज़ायर टारगेट एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द सिचुएशन चलिए ठीक है फोरमैन को टारगेट अचीव नहीं हुआ है इसकी ये हमें बात करनी है पढ़ते हैं हम केस स्टडी द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी आस्क्ड द फोरमैन टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ टू हंड्रेड स्कूटर्स पर डे ओके यानि कि प्रोडक्शन मैनेजर ने फोर मैन को एक टारगेट दिया ड्यूटी असाइन की क्या ड्यूटी है टू हंड्रेड स्कूटर्स पर डे बट ही डिड नाट गिव हिम द अथॉरिटी ही डिड नाट गिव हिम द अथॉरिटी ऑफ रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालेंगे तो जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा रहा था और इस प्रिंसिपल को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने सेम एग्ज़ैम्पल उस वीडियो में दिया है सेम टू सेम यही एग्जाम्पल एनी वेज़ आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पर हमने एक तो ड्यूटी असाइन कर दी और उसके बाद में क्या है बट ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी ऑफ रिक्यविजेशन टूल्स उसको टूल्स और मटेरियल्स स्टोर से लेने की पूरा उसको अथॉरिटी नहीं दी ठीक है ड्यूटी असाइन किए पर अथॉरिटी नहीं दी है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ़ ही इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर टारगेट ऑब्वियसली नॉट भाई जब आपने उसको ड्यूटी असाइन की है यानी कि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लेकिन अथॉरिटी दी नहीं है जब अथॉरिटी नहीं दी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फुलफिल नहीं करता देन ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट फिर आगे क्या लिखा एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द सिचुएशन सो कौन से प्रिंसिपल की बात यहाँ पर हो रही है द ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसी प्रिंसिपल को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ये देखिए नो द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम द फोरमैन बिकॉज ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी टू रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट सिंस ही हैज़ नो अथॉरिटी ही कोड नॉट फुलफिल हीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो क्यों फुलफिल नहीं कर पाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्योंकि उसके पास में प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी तो यहाँ पर क्या कमी थी यहाँ पे वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी था फिर आगे हमें क्या कहा उसने आगे हमें कहा है दैट इज़ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द सिचुएशन तो हमें इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है इन द केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी इज वायोलेटेड इन दिस केस इट हैज़ बीन वायोलेटेड फ्योल सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस देयर मस्ट बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी Responsibility without adequate authority, responsibility without adequate authority, Yaniki excess responsibility, will make the subordinate ineffective, non-completion of work. That is, he will not be able to perform his duties properly. At the same time, giving authority without without fixing responsibility, giving authority without fixing responsibility, i.e., yani excess authorities, may lead to misuse of authorities. So. through this principle, it has suggested there should be a parity between authority and responsibility. Let us move to the next case study, third case study. ओहो oh, oh, क्या बात है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है एक काम करते हैं हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं उसके बाद उसको रीड करेंगे बहुत बड़ा केस स्टडी क्योंकि एग्जामिनेशन में भी अगर ये इतना बड़ा केस हिस्ट्री हम पहले पढ़ के और फिर क्वेश्चन रीड करते हैं तो शायद उस केस हिस्ट्री को हमें दो बार पढ़ना पड़ेगा सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आइडेंटिफाई एनी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ठीक है ये जो केस स्टडी लिखा ना इसमें हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है वो भी कितने थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने आइडेंटिफाई एनी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाई हैंरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर ने भी दिए हैंनरी फ्यूल ने भी दी दिए हैं हमें कौन से वाले आइडेंटिफाई करने हैं फ्यूल वाले विच वर बींग वायोलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है तो उसको आप ध्यान रखें जो मैं पढ़ रहा हूँ विच वर बींग वायोलेटेड इस पूरे ऊपर वाले केस स्टडी में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायोलेट हुए हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने तीन प्रिंसिपल वायोलेट हुए हैं वो आइडेंटिफाई करने और आगे क्या लिखा है कोटिंग द लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अब केस यानी कि इस केस स्टडी में न सिर्फ हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं बल्कि इस पैराग्राफ में से कुछ लाइन्स भी निकालनी है जो लाइन्स हमें बताएंगी कि उस लाइन की वजह से हमें वो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई हो पा रहा है ठीक है अब पढ़ना शुरू करते हैं

इस सेंटेंस में द सबोर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर तो कौन सा प्रिंसिपल यहां पे आपको नजर आ रहा है वायोलेट होता हुआ यूनिटी ऑफ कमांड है ना वन यूनिट वन बॉस होना चाहिए लेकिन यहाँ पे मोर देन वन सुपीरियर तो यूनिटी ऑफ कमांड वायोलेट हो गया ठीक है एक ही हमें लाइन मिल गई हमें ये लाइन भी लिखनी है वहां आंसर में और ये प्रिंसिपल का नाम भी लिखना है यूनिटी ऑफ कमांड आगे देखिए आगे क्या लिखा है द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन चलिए मिल गया दूसरा द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायोलेट हो गया ठीक है आगे देखिए क्या लिखा है द स्परिट ऑफ टीम वर्क विच हैड कैरेक्टराइज द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू वेन ये लीजिए स्प्रिट ऑफ टीम वर्क ये कौन सा प्रिंसिपल है एस्प्रिट डी कॉर्प्स स्प्रिट ऑफ टीम वर्क जो पहले थी है ना और उसके लिए क्या लिखा था स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैड कैरेक्टराइज द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू वेन अब स्पिरिट ऑफ टीम वर्क भी जा रही है हो गए तीनों प्रिंसिपल मिल गया हमें यूनिटी ऑफ कमांड डिसिप्लिन एंड एस्पिरिट डी कॉप्स ठीक है तो अब हम आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो देखिए आप सबसे पहले हमें कहा है कि तीन प्रिंसिपल लिखना और तीनों प्रिंसिपल के हमें लाइन्स कोट करनी है तो जिस तरह से मैंने आपको आंसर लिख के दिया बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में भी आंसर लिखना है पहला यूनिटी ऑफ कमांड सम टाइम्स द सबॉर्डिनेट्स टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर हो गया ये मैंने तो यहाँ पे अलग कलर में किया अब एग्जाम में आप तो अलग कलर कर नहीं सकते आप क्या करेंगे आप उसको इन्वर्टेड्स में प्रेजेंट कीजिए जो लाइंस हैं प्लस आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए जो है लाइन्स आपने कोट की हैं और आप क्या कर सकते हैं आप उसमें छोटा सा मार्क लगा सकते हैं दैट इज़ मार्क नहीं लगाना है बट लिख सकते हैं द लाइन्स फ्रॉम द अबो पैराग्राफ और फिर आप ये लाइन लिख दीजिए फिर देखिए सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन द वर्कर्स वर बिकमिंग इन डिसिप्लिन ये लाइन हो गई फिर देखिए थर्ड प्रिंसिपल एस्प्रेड डी कॉर्प्स ठीक है और उसके एस्प्रेड डी कॉर्प्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई आप उसको करेक्शन करके लिखिएगा और उसके बाद में देखिए लाइन हमने कौन सी कोड की द स्प्रिट ऑफ टीम वर्क विच हैड कैरेक्टराइज द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू वेन तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल भी आइडेंटिफाई कर लिए और लाइंस भी कोट कर दी लाइंस कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन मिलता है और बहुत अच्छी बात यह है कि इतना सा आंसर लिखने के हम एग्ज़ाम में सिक्स मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है ये केस स्टडी वाले सिक्स मार्क्स के आ जाते हैं कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही यूजफुल रहता है स्कोरिंग रहता है ठीक है आई होप आपको सबको अच्छी तरह समझ में आएगा तीन केस स्टडीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली अब एक केस स्टडी मैं वर्बली आपको पूछ रहा हूँ उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिखना है मैं सिचुएशन आपको दे रहा हूँ एक पर्सन है उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फ्रेंड को अपॉइंट किया पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ मैनेजर उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फ्रेंड को अपॉइंट किया अपने उस अपॉइंटमेंट के जस्ट दो दिन बाद ही जस्ट दो दिन बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेजर प्रॉब्लम उसको देखने को मिली और उसने अपने फ्रेंड को बुलाया और पूछ बत से सिचुएशन शेयर की कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आ गई इसको क्या करना चाहिए जो पर्सन था जिसको हमने अपॉइंट किया था उसको बुला के हमने पूछा उसने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया और प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो गई उसने जो सजेशन दिया उसके लिए हमने इमीडिएटली उसको क्या किया उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट दिया ठीक है मैं सिचुएशन वापस से बता रहा हूँ मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फ्रेंड को अपॉइंट किया अपॉइंट करने के बाद में सेकेंड डे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आई तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया उससे वो सिचुएशन डिस्कस की पहले वो फ्रेंड था अब तो वो एम्प्लॉय हो गया ऑर्गेनाइजेशन का उसको बुलाया और मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया इमीडिएटली उसने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया मैंने उसका सजेशन अप्लाई किया और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है और कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है इसमें एक प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है और एक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है आपको दोनों मुझे कमेंट में लिख के बताना है सिचुएशन क्या है मैंने एक पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया वो मेरा फ्रेंड था अपॉइंटमेंट के बाद में मैंने एक प्रॉब्लम आई तो उसके साथ डिस्कस की उस प्रॉब्लम को सिर्फ अपने अकेले उसी फ्रेंड के साथ डिस्कस की उस प्रॉब्लम को बाकी सारे एम्प्लॉज़ के साथ डिस्कस नहीं की सिर्फ अपने उसी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया उसने मुझे सजेशन जो दिया उस सजेशन को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया और मुझे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई सजेशन बहुत अच्छा था इस वजह से मैंने उसकी सैलरी में उसको इंक्रीमेंट दे दिया आपको कमेंट में लिख के बताना है कि कौन सी कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने वायलेट किया है और कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने फॉलो किया है आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको केस स्टडी समझ में आई होंगी कोई अगर क्वेरी बचता है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं आई एल श्योरली रिप्लाई टू दैट ओके थैंक यू